राजस्थान से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। इन दिनों सबसे ज्यादा भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक राजस्थान के बीकानेर में 4.2 तीव्रता का भूकंप आया। वहीं अरुणाचल के चांगलांग में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसके रिक्टर पैमाने पर तीव्रता रही 3.5। चांगलांग में शनिवार और रविवार की दरमियानी रात 1:45 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसके ठीक 30 मिनट के बाद बीकानेर में कंपन महसूस हुआ। दोनों ही जगहों पर जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। पिछले कुछ महीनों में उत्तराखंड, हिमाचल, पूर्वोत्तर के राज्यों सहित देश के अलग अलग हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। 4 दिन पहले दिल्ली NCR में भूकंप के झटके महसूस हुए। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 2.7 मापी गई थी। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक राजस्थान के बीकानेर में रविवार को सुबह भूकंप के झटके महसूस हुए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.2 थी। भूकंप से अभी तक किसी के भी जान माल के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन भूकंप से आसपास के इलाकों में अफरा तफरी का माहौल हो गया और लोग डर के कारण घरों से बाहर निकल आए। अब आपको ये भी जान लेना चाहिए कि आखिरकार भूकंप क्यों आते हैं, या ये भी हम सोच लें कि बार बार भूकंप क्यों आते हैं। दरअसल जब पृथ्वी की सतह के नीचे ज्यादा दबाव पड़ता है तो प्लेट्स टूटने लगती हैं। नीचे की ऊर्जा बाहर आने का रास्ता खोजती है और डिस्टर्बेंस की वजह से भूकंप आते हैं। भूकंप का केंद्र उस स्थान को कहते हैं जिसके ठीक नीचे प्लेटों में हलचल से भूगर्भीय ऊर्जा निकलती है। भारत में 2 भूकंप जोन है, इस वजह से हिमालय क्षेत्र में भूकंप आता है। भारतीय उपमहाद्वीप को भूकंप के खतरे के लिहाज से सिस्मिक जोन 2, 3, 4, 5 में बांटा गया है। 5वां जोन सबसे ज्यादा खतरनाक है। पश्चिमी और केंद्रीय हिमालय क्षेत्र से जुड़े कश्मीर, पूर्वोत्तर और कच्छ का रण इस क्षेत्र में आते हैं। दरअसल कुछ 2 महीनों पहले ही तुर्की में भूकंप ने दस्तक दी थी, जिसके बाद से लोगों ने जैसे ही तुर्की की तस्वीरें देखी लोगों के मन में डर समा गया है। अब जब भी धरती डोलती है तो लोगों को ऐसा लगता है कि कहीं तुर्की वाली भयावहता ना दोहराई जाए। आपको बता दें, लगातार नेशनल सिस्मोलॉजी सेंटर भी चेताता रहा है। जिस तरीके से लगातार देश भर में या देश के बाहर भी भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं, ये हो सकता है आने वाले समय के लिए एक बड़ी चेतावनी हो। हालांकि इसी बीच लगातार हुगर बीट्स के भविष्यवाणी की भी चर्चा हो रही है, जिसमें हुगर बीट्स ने ये कहा था कि भारत में और पाकिस्तान में भूकंप के तेज झटके महसूस किए जा सकते हैं। पिछले दिनों दिल्ली NCR में आए भूकंप के झटकों ने लोगों को दहला दिया था। आपको बता दें, उस वक्त अफगानिस्तान भूकंप का एपिसेंटर था, जिसके बाद से लोगों में लगातार डर है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।